सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इंडिया में वीवो और एक फोन लाने वाला है, वो है वीवो Z5X। अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आ रहा है, मगर इसका प्राइस थोड़ा हाई है। चलिए जान लेते हैं इस फोन का एक्चुअली स्पेसिफिकेशन क्या है और इसका प्राइस क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं वीवो Z5X फोन के बारे में टोटल डिटेल्स। दोस्तों, पहले आते हैं इस फोन के डिस्प्ले को लेकर। इस फोन में जो आपको डिस्प्ले मिलेगा वो है 6.53 इंच के FHD+ डिस्प्ले। इधर कोई डॉट नॉच, वाटर ड्रॉप नॉच ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा 5 वोल्ट डिस्प्ले। यानी कि एक अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ ये फोन आने वाला है और इसका पिक्सल डेंसिटी है 395, यानी कि पिक्सल डेंसिटी भी ठीक ठाक है। और ये जो डिस्प्ले आएगा वो कुछ एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, IPS LCD डिस्प्ले, यानी कि अच्छे क्वालिटी के एक डिस्प्ले इस फोन में हमको देखने को मिलेगा। अभी आते इस फोन के प्रोसेसर को लेकर, क्योंकि वीवो का जितना भी फोन आया है 20,000 के नीचे, उस फोन में जो प्रोसेसर आता है दूसरे कंपनी का फोन में वो प्रोसेसर आता है कुछ 10,000 रुपया में। इस बार वीवो थोड़ा अच्छा काम किया है इसके प्रोसेसर को लेकर। इसमें जो प्रोसेसर मिल रहा है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 17। एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, इसके पहले दो कोर है 2.2 GHz क्लॉक स्पीड में और बाकी 6 कोर है 1.7 GHz क्लॉक स्पीड में। यानी कि अच्छे क्वालिटी के आपको प्रोसेसर इस फोन में देखने को मिलेगा और गेमिंग में भी परफॉर्मेंस अच्छा है। अभी आते हैं इस फोन के GPU को लेकर। इस फोन में GPU भी अच्छा है, GPU है Adreno 616 GPU, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस भी इस फोन में अच्छा देखने को। एक्चुअली क्या होता है, वीवो का जब भी कोई भी फोन आता है उसके प्राइस हाई होता है, मगर उसके जो क्वालिटी हो रहता है वो उस प्राइस की तरह ठीक ठाक नहीं होता है। मगर इस फोन में भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है उसके प्रोसेसर को लेकर, क्योंकि इस फोन में जो प्रोसेसर दिया है यह एकदम ठीक ठाक आता है जिस प्राइस में इसका ये फोन लॉन्च होगा। अभी आते हैं इस फोन के स्टोरेज को लेकर। इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 4GB रैम और 64GB के वेरिएंट, और इसमें आप एक्सटर्नल मेमोरी भी लगा सकते हो 256GB तक, यानी कि ठीक ठाक क्वालिटी के आपके रैम और रोम भी मिल जाएगा। अभी आते हैं कैमरा को। अभी बात करते हैं कैमरा को लेकर, क्योंकि कोई भी फ़ोन आता है तो कैमरा के बात ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी जितना भी फ़ोन आ रहे हैं कंपनी के सबके सब कैमरा के ऊपर, और वीवो को तो जाना ही जाते हैं सेल्फी कैमरे के लिए। तो जान लेते हैं इस फोन का। इस फोन में जो रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो एक मिलेगा 13 मेगापिक्सल का, एक मिलेगा 8 मेगापिक्सल का और एक मिलेगा 2 मेगापिक्सल का। 13 मेगापिक्सल का जो होगा वो प्राइमरी कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का जो होगा वो होगा वाइड एंगल के लिए, और 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा होगा वो होगा डेप्थ सेंसिंग के लिए। यानी कि कैमरा क्वालिटी रियर में आपको ठीक ठाक दिखने को मिलेगा और ट्रिपल कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। अभी आते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा को लेकर। फ्रंट में आपको मिलेगा 60 मेगापिक्सल का कैमरा, यानी कि सेल्फी के लिए आपको 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया जा रहा है, जिसका एपर्चर होगा f2.0 या f2.2। अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मगर इसका जो कैमरा आएगा वो आएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और इसका जो बैटरी आएगा 5000 mAh की बैटरी आएगा फास्ट चार्जिंग के साथ, और USB Type-C भी इस फोन में देखने को मिलेगा। अभी आते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर को लेकर। इस फोन में जो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा वो मिलेगा एंड्रॉयड 5, यानी कि एंड्रॉयड 9 के साथ आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। अभी आते हैं इस फोन को प्राइस को लेकर। वीवो ओप्पो के एक्चुअली प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है, ओप्पो तो थोड़ा कम किया है, मगर वीवो का फ़ोन के कीमत अभी तक उतना ही ज़्यादा कीमत कुछ होगा 18,990 रुपया, यानी कि लगभग आपको 19,000 में ये फ़ोन मिलेगा। अभी सोचिए 19,000 में अगर ये फ़ोन लेंगे तो 19,000 में तो अच्छा अच्छा फ़ोन आने ही वाला है। इससे अच्छा प्रोसेसर लेकर, अच्छा कैमरा लेकर आए ऑलरेडी है, रेडमी नोट 7 प्रो है, रियलमी 3 प्रो है, तो इसमें क्या खास बात हुआ वीवो के मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि उसका 5 वोल्ट डिस्प्ले मिल गया है यही ज़्यादा है, 5000 mAh बैटरी
और 4000 mAh बैटरी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि दोनों फ़ोन ही एक ही दिन ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग देता है, उसके बाद नहीं देता है। तो अभी जब आप ये फ़ोन लेने के लिए जाओगे, पहले एक बार देख लेना इस फ़ोन के साथ कम्पीट करने के लिए कौन सा फ़ोन है, और कुछ दिन अगर वेट करके ले सकते हो तो लेना, क्योंकि रियलमी के आ रहे हैं एक फ़ोन, रेडमी के भी एक फ़ोन आ रहे हैं, तो उसके बाद आप ये फ़ोन बाय कर सकते हो, क्योंकि 18-19 हज़ार में रियलमी का जो फ़ोन आएगा, पॉपआउट सेल्फी कैमरा को ले कैमरा रहेगा रियलमी एक्स में, और उसका जो प्रोसेसर रहेगा 730 प्रोसेसर भी उसका उसमें आपको मिलेगा, और उसमें जो कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, यानी कि देखा जाए तो हर तरफ से अच्छा फ़ोन वही होगा। तो कुछ दिन वेट कर लो, ज़्यादा दिन नहीं, कुछ 10-15 दिन वेट कर लो, उसके बाद आप देखो। देखने के बाद आप अगर लगता है ये वीवो का फ़ोन आपको अच्छा, तो आप ये फ़ोन ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल वीडियो इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।